तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा जनरल जॉर्ड फैंटम जोन से वापस आ चुका था और उसे रोकने के लिए पूरी टीम कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर जॉर्ड फोर्ट्रेस से भाग जाता है जब ग्रीन एरो से बताता है कि उसके पास बहुत से क्रिप्टोनाइट एरो हैं जिनका निशाना आज बो बनेगा। फिर जॉर्ड के जाने के बाद बैटमैन भी सीधा बैटकेव के लिए निकल जाता है, जहां वो ब्रदर आई को बॉक्स एक्स रेडी करने के लिए कहता है, जो दरअसल एक आर्मर था जो बैटमैन ने सुपरमैन से लड़ने के लिए बनाया था, लेकिन अब उसकी जरूरत आ पड़ी थी। फिर बैटमैन सीधे जॉर्ड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां हमें बैटमैन और जॉर्ड की लड़ाई देखने को मिलती है, पर वो आर्मर स्पेशली सुपरमैन को हराने के लिए बनाया था, लेकिन अब जॉर्ड उसके सामने था और बैटमैन भी काफी गुस्से में था। तो गाइस बस यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो चलिए अब शुरू करते हैं इनजस्टिस 2 का न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड शुरू होता है सुपरमैन से, जी हाँ सुपरमैन से, जो जॉर्ड को बोल रहा है, जनरल जॉर्ड तुमने क्रिप्टोन को निराश किया, तुमने हमारे ग्रह को मरने दिया। जॉर्ड कहता है, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो सुपरमैन कहता है, और तुम गलत थे, तुम हमेशा से गलत थे। और फिर एक जोर का पंच जॉर्ड को मार देता है और कहता है, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हारी स्पीसीज सुपीरियर भी नहीं थी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और फिर सुपरमैन एक जोर की लाश जॉर्ड को मार देता है और जनरल जॉर्ड बहुत निराश होकर कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और गाइस फिर हम क्या देखते हैं, सुपरमैन तो बैटमैन की उस आर्मर में बदल जाता है। तो बैटमैन आर्मर में से कहता है, मुझे नहीं पता जॉर्ड तुम्हें क्या दिख रहा है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस यहाँ पर शायद जॉर्ड पर फेयर टॉक्सिन का असर हो चुका है, जिसकी वजह से जॉर्ड को सिर्फ वही दिख रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। तो फिर बैटमैन कहता है, जॉर्ड तुम्हारे प्लेनेट ने तुम्हें सजा सुनाई थी और तुम दोषी पाए गए थे और तुम्हें कैद भी करके रखा गया था, और इस बार तुम फिर से फैंटम जोन में वापिस जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए। और फिर बैटमैन जॉर्ड को एक जोरदार पंच मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोरिल्ला सिटी को, जहां राहुल बोल रहा है, क्या गोरिल्ला सिटी की नजर आर्कटिक पर है? तो सोलोवर कहता है, हमारी नजरें हमेशा से वहां रहती हैं। फिर वो टीवी स्क्रीन में देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे बैटमैन और जनरल जॉर्ड के बीच फाइट हो रही है, शायद अब तुम खुश होगे राहुल, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों के बीच लड़ाई हो रही है। तो राहुल कहता है, लेकिन इस केस में मेरे दुश्मन का दुश्मन एक क्रिप्टोनियन है, जिसे अर्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो अपने प्लेनेट क्रिप्टोन को दोबारा से बनाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसे जरूरी लगेगा, और वो सब कुछ हमारे प्लेनेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ सकते। उधर दूसरी तरफ बैटमैन अभी भी जॉर्ड को मार रहा था, लेकिन तभी मार खाता हुआ जॉर्ड मुस्कुराने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ बैटमैन, तुम्हारी ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है। और फिर जॉर्ड बैटमैन को मारने के लिए तैयार ही था कि तभी कुछ बहुत बड़ा टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के बीच में आ जाता है, और वो कुछ और नहीं वही मेटा ह्यूमन था जिसे राहुल ने बनाया था। जॉर्ड उसके सामने कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और क्या हो, पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन तभी वो मेटा ह्यूमन अपनी आंखों से लेजर फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। तो जॉर्ड कहता है, मुझे नहीं लगता तुम मेरी मदद के लिए आए हो, मैंने सही कहा ना? और तभी जॉर्ड उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ता है और कहता है, वेल अब मुझे एक और टीन के डिब्बे से निपटना पड़ेगा। लेकिन गाइस तभी वो मेटा ह्यूमन जॉर्ड के हाथ को पकड़ लेता है और हाथ पर लगे उस आर्मर को भी तोड़ देता है। जॉर्ड ये देखकर काफी हैरान था, लेकिन आगे जॉर्ड कुछ और कर पाता। वो मेटा ह्यूमन जॉर्ड को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। जॉर्ड कहता है, नहीं तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी एक जॉर्ड की आवाज के साथ जॉर्ड का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। बैटमैन भी ये देखकर काफी हैरान था कि अभी हुआ क्या। और फिर वो मेटा ह्यूमन जॉर्ड के सर के साथ ही वहां से उड़ जाता है। उसके बाद बैटमैन बैटगर्ल को कॉन्टेक्ट करता है और कहता है, बैटगर्ल जॉर्ड मर चुका है। बैटगर्ल कहती है, ब्रूस तुमने ये क्या कर दिया? बैटमैन कहता है, ये मैं नहीं था और मुझे पता भी नहीं कि एग्जैक्टली ये था क्या, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा। फिर बैटमैन पहुंच जाता है गॉथम सेंट्रल के हॉस्पिटल में, जहां वो वाइल्ड कैट को देखने आया था। डॉक्टर बैटमैन को बताती है कि वो अभी भी कोमा में है। बैटमैन पूछता है, अब उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर कहती है, उसके जख्म काफी सीरियस थे, काफी खून बह चुका था, उसके स्टमक की गोली को तो हमने निकाल दिया है, लेकिन जो गोली उसकी छाती में लगी थी उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाके वो निकल पाई। बैटमैन कहता है, अब उसके उठने के कितने चांसेस हैं? डॉक्टर कहती है, अगर फुल रिकवरी की बात करें तो टेड के वापस उठने के बहुत कम चांसेस हैं। बैटमैन उसे पूछता है, क्या उसे अकेले में कुछ टाइम मिल सकता है? फिर बैटमैन वाइल्ड कैट के पास पहुंच जाता है और कहता है, वाइल्ड कैट मुझे नहीं पता तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं, पर तुमने और सोसाइटी ने मिलकर हमेशा हमारे लिए सैक्रिफाइस किए हैं,
तुम हमेशा से एक अच्छी दुनिया के लिए लड़ना चाहते थे और फिर उस दुनिया को हमारी नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में सौंपना चाहते थे और मैं भी यही चाहता था, पर हम फेल हो रहे हैं। दुनिया अच्छी नहीं बन सकती। हमारी नेक्स्ट जनरेशन डिक जा चुका है। डैमियन, उसे मैंने खो दिया। अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहता। मुझे इसके लिए माफ करना। मुझे तुम्हारा सच पता लग चुका है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। और गाइस, तभी बैटमैन ऑक्सीजन पाइप को निकाल देता है और सभी डॉक्टर अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं। और वो डॉक्टर अंदर आते ही कहती है और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। फिर बैटमैन कहता है गुड बाय टेड, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।